हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का मराठी सब्जेक्ट, उसका लेसन नंबर 10, आम ही हवे आहोत का, मींस डू यू नीड अस। और ये लेसन लिखा है शांता शेळके ने। शांता शेळके एक बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री है, कवयित्री इन द सेंस पोएटस, गीतकार। इन्होंने काफ़ी गीत भी लिखे हैं, लेखिका है, बहुत सारी बुक्स नॉवेल्स लिखी है। शांता शेळके यांनी जवळपास 100 पुस्तके लिहिलेली आहेत। 100 यानी जवळपास, यानी करीब करीब 100 बुक्स इन्होंने लिखी है शांता शेळके। त्यांची वर्षा, रूपसी, जन्म जानवी, पूर्व संध्या, इत्यार्थ हे कविता संग्रह है। यानी ये जितने भी नाम यहाँ लिया है, वर्षा, रूपसी, जन्म जानवी, पूर्व संध्या, ये सब कविता है, कविता के संग्रह। तोच चंद्रमा, कळ्यांचे दिवस, दिवस फुलांच्या राती, चित्रगीते, शब्दांच्या दुनियेत, पावसा आधीच्या पाऊस, संस्मरणे हे लेख संग्रह। लेख संग्रह मीन्स राईटअप्स हे उनके। मुक्ता, गुलमोहर, काच कमळ हे कथा संग्रह इत्यादी पुस्तके प्रकाशित आहेत। यानी की मुक्ता, गुलमोहर, काच कमळ ये कथा संग्रह, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, ये बुक्स है। आळंदी येथे भरलेल्या 69व्या याने 69व्या साहित्य संमेलनांचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले। तो आळंदी एक प्लेस का नाम है महाराष्ट्र में ही। यहाँ पे 69th जो साहित्य सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर उन्होंने एज एन अध्यक्ष मीन्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सोसाइटी, ऑफ दैट ग्रुप, उन्होंने वो पद संभाला था। एज अ प्रेसिडेंट शी took up that post and she performed her duties well. प्राण्यांच्या इस्पितळात मारलेल्या फेरफटक्याचे आणि माणसाचे प्रेमासाठी आसुसलेल्या प्राणी विश्वाचे चित्रण या पाठात पाहायला मिळते। ये मतलब इस पाठ में हमें क्या देखने को मिलेगा, प्राण्यांच्या इस्पितळात मतलब हॉस्पिटल में एक उन्होंने एक राउंड लिया था फेरफटका, तो राउंड मारा था वहां पे, आणि माणसाच्या प्रेमासाठी आसुसलेल्या प्राणी विश्वाचे चित्रण, और इंसान के प्यार के लिए तरस रहे ऐसे प्राणी चित्रण, मतलब ऐसे पिक्चर उन्होंने, पिक्चर्स क्यू, ये जो राइटअप है ऐसा पिक्चर्स क्यू है, जिससे हमें साफ पता चलता है कि जो जानवर है किस तरह से इंसानों के प्यार के लिए तरस रहे हैं, और किस तरह से जानवर चाहते हैं कि वो इंसान आए उनके पास और उनसे प्यार करे। तो या पाठात पाहायला मिलते, इस लेसन में हमें देखने को मिलेगा, बहुत ही मार्मिक तरीके से, बहुत ही इमोशनल वे में उन्होंने ये लिखा है। प्रस्तुत पाठ आनंदाचे झाड या ललित लेख संग्रहातून घेतला आहे। तो ये जो लेसन है आम्ही हवे आहोत का, ये एक पाठ है, कौन से बुक से लिया हुआ है, आनंदाचे झाड। आनंदाचे झाड इस बुक से ली गई है या ललित लेख संग्रहातून घेतला आहे। मुंबईच्या परळ भागात एक इस्पितळ आहे, ते आहे जनावरांचं इस्पितळ। इस्पितळ मीन्स हॉस्पिटल। आणि मुंबईच्या परळ भागात, यानी की मुंबई के परळ इलाके में एक इस्पितळ है, हॉस्पिटल है, और वो है जनावरों का, एनिमल्स का हॉस्पिटल। ते आतून बघायचं असं माझ्या मनात खूप दिवसांपासून होतं, और वो हॉस्पिटल जो है मुझे अंदर से देखना था, ऐसा मेरे मन में बहुत दिन से चल रहा था। ये जो कवित्री है, ये जो लेखिका है शांता शेळके, ये बता रही है, ये खुद लिख रही है, तो ये खुद कहती है कि वो अंदर से देखने का मेरा बहुत मन था, खूब दिवसांपासून होता, बहुत दिन से मेरे मन में था कि मैं वो हॉस्पिटल को अंदर से देखूं। एकदा तो योग आला, और एक बार वो मौका भी मुझे मिल गया, चांस मिल गया। कमानीच्या आत तर सहज प्रवेश मिळाला। कमानीच्या आत, कमान यानी कि जो तीर कमान वाला कमान होता है, वो किस शेप का होता है, ऐसा राउंड शेप का होता है ना, कर्व्ड शेप का। तो जो दरवाजा था, मे बी हॉस्पिटल का जो मेन गेट था, वो करीब करीब उसी शेप का होगा, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कमानीच्या आत तर सहज प्रवेश मिळाला, मतलब इजिली अंदर चली गई। उजवीकडे एक छोटी सी इमारत दिसते, उजवी मीन्स टू द राइट साइड, एक स्मॉल बिल्डिंग, इमारत, अ स्मॉल बिल्डिंग टाइप, या फिर एक ग्राउंड फ्लोर टाइप, जैसे कुछ बंधा हुआ, अ कंस्ट्रक्शन, वो दिख रहा था उसे। हे बहुदा कार्यालय असावं, बहुदा इज प्रोबेबली, शायद, परहैप्स हम वो बोल सकते हैं,
कार्यालय असावं, कार्यालय इज ऑफिस, हर कोई भी जगह पे एक ऑफिस तो होगा ही, वर्किंग ऑफिस। कार्यालयाच्या दाराशीच भिंतीवर एक मोठी तस्बीर आहे, आप ये पिक्चर जो आएगा नीचे उसमें भी आप देख सके हो। कार्यालय मतलब ऑफिस का जो दरवाज़ा है, उस जस्ट दरवाजे के बाजू में वॉल पर दाराशीट्स मतलब दरवाजे के पास में ही भिंतीवर यानी दीवार पर एक मुट्ठी तस्बीर आहे। तस्बीर पिक्चर, कुछ बड़ा सा पिक्चर बना हुआ है। त्या तस्बीरीत बैल, घोड़ा, कुत्रा, मांजर, शेळी अशी वेगवेगळ्या जनावरांची चित्र आहेत। और उस तस्वीर में कौन से जानवरों के चित्र हैं? बैल ऑक्स, घोड़ा हॉर्स, कुत्रा डॉग, मांजर कैट, शेली शेली मीन्स गोट, शी गोट, अशी वेगवेगळ्या जनावरांची चित्र आहे। ऐसे अलग अलग जानवरों के चित्र वहां पर उस दरवाजे पर बने हुए हैं। खाली एक छोटस पण मनाला भिडणार वाक्य आहे। नीचे मतलब जो पिक्चर बनाया हुआ है, उस पिक्चर के नीचे एक छोटा सा लेकिन मन को छूने वाला ऐसा एक लाइन वहां पे लिखा हुआ है, वाक्य है। आम्हाला तुमसी गरज आहे, तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का, मतलब वहां पे लिखा हुआ है कि हमें आपकी जरूरत है, वी नीड यू। तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का, हम तुम्हें चाहिए क्या, हम आपको चाहिए क्या, ऐसा वहां पे उस वॉल पे लिखा हुआ है। मैं भी आपको दिखा देती हूँ पिक्चर के थ्रू। यहाँ पर देखिए, ये ऑफिस का जो हमें दिख रहा है पूरा हॉस्पिटल है। दिस इज द हॉस्पिटल ऑफिस, यू कैन सी फ्रॉम इनसाइड। प्लस का साइन है जिससे पता चलता है, इस पर दरवाजे पे भी लिखा है। और जस्ट दरवाजे के बाजू में ये सारे पिक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ऑक्स हो गया, ये शी गोट है, डॉग है, कैट, हॉर्स। और देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आम्हाला तुमसी गरज आहे, एज इफ दीज एनिमल्स आर सेइंग दिस, ये एनिमल्स ही ये बात कर रहे हैं, तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का, और आपको हम चाहिए क्या, डू यू नीड अस, इस तरीके। माणसाच्या दयाबुद्धीला करुणेला मुक्या प्राण्यांनी केलेलं हे आवाहन आहे। अभी ये क्या है आवाहन? आवाहन मीन्स अ रिक्वेस्ट। कौन कर रहा है ये? माणसाच्या दयाबुद्धीला, दयाबुद्धी मतलब काइंड हार्टेडनेस, जो इंसान का जो काइंड हार्ट होता है उसको, करुणेला, करुणा मतलब पिटी, हम किसी पे दया करते हैं पिटी, तो हमारा काइंड हार्ट, हमारी जो दया है, तो मुक्या प्राण्यांनी केलेलं मतलब हमारे काइंड हार्ट को, हमारे पिटी को, इन मूक प्राणी मतलब जो बोल नहीं सकते, उन्होंने ये किया है रिक्वेस्ट। किसको किया है? इंसानों को। मला आत कुठ तरी हलवून सोडतो, मतलब ये जो लाइन है आम्हाला तुमची गरज आहे, तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का, ये जो लाइन है ये मुझे पूरी तरह से अंदर से हिला के रख दिया, इसने मुझे फुली टच कर दिया है। हाँ, मतलब आई एम टच्ड बाय दिस लाइन। नेक्स्ट, आता मी कार्यालयात पाउल टाकते, कार्यालयात मतलब ऑफिस, ऑफिस में अब मैं पैर अपना रखती हूँ। समोरच्या कपाटावर उदी रंगाचा एक गले लठ्ठ बोका मजेत आपल्या मिशा साफ करत बसला आहे। समोरच्या कपाटावर, अगर आप देख सकते हो इधर ऑफिस में सामने ही कपाट है, और इस कपाट के ऊपर एक कैट सा आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही वो यहां से एंटर हुई है तो समोरच्या यानी सामने के कपाट के ऊपर एक कौन सा उदी रंगाचा, उदी मतलब ब्राउन, उदी इज अ कलर, ब्राउन रंगाचा एक गले लठ्ठ मतलब बिग फैट, गले लठ्ठ बिग फैट बोका, बोका इज मेल कैट, मांजरम फीमेल कैट को कहते हैं, बोका मेल कैट, मजेत आपल्या मिशा साफ करत बसला आहे। अभी कैट्स को नॉर्मली हम देखते हैं जब वो बैठती है कैट्स, तो अपने पैर से, सामने के पैरों से अपने मुंह की तरफ, मूछों को जैसे मानो हाथ घुमा रही हो वहां पे। तो कुठ गले लठ्ठ बोका मजेत आपल्या मिशा साफ करत बसला आहे, मला बघताच तो कपाटावरून उडी मारतो, मतलब जैसे ये शांता शेळ के बोलती है ना, मुझे देखते ही वो उस कपाट से उड़ी मारता है आणि साहेबांच्या टेबलावर येऊन बसतो, और वो जो ऑफिसर इन चार्ज है उसके टेबल पे आके बैठ जाता है। इस्पितळ बघण्यासाठी मी आली आहे असं मी त्या साहेबांना सांगते, मतलब मैं उनको बोलती हूँ कि मैं हॉस्पिटल देखने आई हूँ, मतलब ये शांता शेळके बोल रही है, वो कहती है मैं हॉस्पिटल देखने आई हूँ। बोक्याचं डोकं कुरवाळत ते माझं ऐकून घेतात आणि लगेच मला परवानगी देऊन टाकतात। तो वो ऑफिसर क्या करता है, जो कैट उनके टेबल पे अभी आया था ना, उसके सिर पे थोड़ा सा हाथ घुमाता है प्यार से, और
मेरी सुन के लेता है मैंने क्या कहा कि मैं हॉस्पिटल देखने आई हूँ और मुझे इमीडिएटली लगेज मीन्स इमिडिएटली परवानगी देऊन टाकतात, दॅट इज परमिशन दे देते हैं। इतकंच नाही तर मला सारं इस्पितळ नीट दाखवण्यासाठी भरत नावाचा एक छोटा चुनचुनीत मुलगाही ते माझ्याबरोबर देतात। इतनाही नाही मतलब मुझे परमिशन तो दे ही देते हैं लेकिन मुझे पूरा हॉस्पिटल अच्छी तरीके से देखने को मिले समझने को मिले इसके लिए उन्होंने भरत नाम के एक छोटे एकदम क्लेवर चपल बोलते हैं ना क्लेवर बच्चे को एक्टिव चुनचुनीत मतलब एक्टिव एंड क्लेवर जो बहुत क्विक होते हैं कोई भी काम में तो वैसा एक लड़का उन्होंने मुझे मेरे साथ में जाने के लिए बोला कि उसको मेरे साथ लेके जाओ। तो चुनचुनीत मतलब एक्टिव एंड क्लेवर स्मार्ट या चप्पल हम मराठी में जो समानार्थी शब्द बोल सकते हैं। तो भरत नाम का वो लड़का मेरे साथ चला। आम्ही पुढे जाऊन डावीकडे वळतो तो हम आगे जाकर डावीकडे दैट मीन्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हम टर्न लेते हैं वळतो। एवढ्यात भरत मला म्हणतो इतने में भरत जो है मुझे कहता है बाई हा मांजराचा विभाग बघायचा आहे। तो वो भरत कहता है कि बाई मतलब लेडी को बाई कहते हैं वहां पे कि ये मांजराचा विभाग है। मांजर मतलब कैट कैट का वार्ड हॉस्पिटल्स में जो एक सेक्शन होता है उसको हम वार्ड कहते हैं WARD वार्ड। तो हा मांजराचा विभाग आहे बघायचा आहे। मांजराचा विभाग म्हटल्यावर मी उत्सुकतेने आत पाऊल टाकले। अब कैट्स का डिपार्टमेंट बोला तो मैंने एकदम क्यूरियोसिटी से अपना पाँव उस रूम में अंदर रखा। एक लहानशी पण स्वच्छ खोली तो जब अंदर गई तो देखा एक छोटी सी लेकिन बहुत ही क्लीन वो रूम थी मतलब एक छोटा सा क्लीन रूम था। आपल्या स्वयंपाकघरातले ओटे जेवढ्या उंचीचे असतात तेवढ्या उंचीचे कट्टे आणि त्यांच्या खाली एकेरी जाळीने विभागलेले छोटे छोटे खण। मतलब यहाँ पे वो कह रही है कि जैसे हम किचन में हमारा जो ओटा होता है जिस पर हम खाना पकाते हैं गैस वगैरह रखते हैं उतना ही ऊंची का एक ऐसा कट्टा डाला हुआ था पत्थर डाला हुआ था और उसके नीचे जो है खन बनाए हुए थे बॉक्सेस बनाए हुए थे स्क्वायर ग्रिल्स जाली के तेवढ्या ऊंचीचे कट्टे मतलब उतने ही ऊंची का एक जो पत्थर वहां पे लगाया हुआ था कट्टे आणि त्यांच्या खाली एकेरी जाली ने विभागलेले छोटे छोटे खण मतलब एक एक जाली बीच बीच में डालकर ऐसे खन बनाए हुए थे उसके नीचे। बाहेरच्या बाजूनही या खणांना जाळ्या बसवलेल्या आहेत और बाहर के बाजू में भी इन खनों को जाली लगाई है मतलब बीच में तो जाली लगाई ही है खन बनाने के लिए लेकिन उनको कवर करने के लिए भी वहां पर जालियां लगाई है ताकि वो वहां से बाहर ना निकल सके। प्रत्येक खोलीत एक एक पेशेंट आहे और जो एक एक डिपार्टमेंट एक एक जो जाली एक एक खन जो बनाए हुए हैं हर एक खोली में एक एक पेशेंट है वहां पर। एक भला थोरला काळा भोर बोका आपल्या हिरव्या डोळ्यांनी व्याकुळ नजरेनं बघत आहे। एक भला थोरला मीन्स ह्यूज बड़ा सा काला भोर एकदम काला बोका यानी मेल कैट वो अपनी ग्रीन आंखों से एकदम सैड ग्लूमी नजरों से मुझे देख रहा था व्याकुल नजरें ना या सैड बोल सकते हो अस्वस्थ या ग्लूमी इस ऐसे नजरों से मुझे देख रहा था। एक चिमुकल कब्र पिल्लू कावरा बावर झाला है। चिमुकल मीन्स स्मॉल छोटा सा टाइनी और कब्र इज अ कलर ग्रे कलर पिल्लू छोटा सा पिल्लू किटन हम बोल सकते हैं किटन कावर बावर झाला है। कावर बावर मतलब एक मैट जैसा हो गया है जो यहाँ से वहाँ घूम रहा है। एक मांजरी चिडलेल्या वाघिणी सारखी पिंजऱ्यात इकडून तिकडं फेऱ्या मारत आहे। तो एक मांजरी मतलब फीमेल कॅट चिडलेल्या वाघिणी सारखी वाघिण वाघ वाघिन जो वाघ होता है लायन उसके जैसी मतलब वो फीमेल लायन के जैसी लायनस के जैसी चिड़ी हुई फीमेल लायनस की जैसी यहाँ वहाँ पिंजरे में घूम रही थी फेरिया मारत आहे। एक ठिपक्या ठिपक्याचं मांजर आपण पेशंट आहोत हे विसरून मार्जार जातीच्या स्वच्छतेच्या आवडीनुसार आपल्या पेशंट तोंड मिशा डोळे पुसून साफ करत आहे। तो एक ठिपक्या ठिपक्यांचे मांजर ठिपक्या ठिपक्या मतलब स्पॉटेड बोल सकते हैं या डॉटेड बोल सकते हो मतलब जिसके बॉडी पर डॉट 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 सब जगह पे है ऐसे टाइप का एक मांजर जो था वो मांजर भूल गई थी कि वो एक पेशेंट है और वो जैसे नॉर्मल कैट्स बिहेव करती है ना अपने आप को क्लीन रखने के लिए अपने हाथ पैर जगह जगह पे मुंह पे मारती रहती है बिल्कुल उसी तरीके से वो उस अपने चॉइस के हिसाब से अपने पसंद के हिसाब से अपने पंजों से अपने मुंह की जो मूछें मीशा डोले आँख
वगैरह पूछ के साफ कर रही थी, मतलब मानो वो तो भूल ही गई थी कि वो एक पेशेंट है और वो एकदम अपने आप को तैयार कर रही थी, ग्रूम कर रही थी, एकदम ठीक ठाक कर रही थी। एक मांजर खूब आजारी असावो और एक कैट तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बीमार थी वहाँ पे, कारण ते डोळे मिटून पुढल्या दोन पंजावर तोंड ठेवून गप्प पडलं आहे, क्योंकि वो जो मांजर थी वो अपनी आंखें बंद करके पुढल्या दोन पंजावर अपने आगे के दो पैरों पर अपना मुंह रखकर ऐसा चुप बैठी थी, जैसे कैट्स वगैरह बैठते हैं ना पैरों को आगे रखकर, दो आगे रहते हैं दो पीछे रहते हैं, तो आगे के पैरों को फोल्ड करके उसके ऊपर अपना मुंह रख के ऐसा चुपचाप बैठी थी, जैसे कोई बीमार लोग बैठे रहते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। प्रत्येक मांजराजवळ दोन बशा आहेत, बशा मीन्स प्लेट्स, तो हर एक कैट के पास में दो प्लेट्स हैं, एक खाद्य पदार्थासाठी व दूसरी पाण्याची, एक उनका खाने का सामान वहाँ रखा जाता है एक प्लेट में और दूसरे में पानी रखा जाता है। प्रत्येकाजवळ त्याच्या प्रकृतीतले चढ उतार दाखवणारा तख्ता भिंतीवर लावला आहे। हर कैट के पास में दीवार पे वहाँ पर उनके हेल्थ रिलेटेड जो भी अप एंड डाउन है ऐसा दिखाने वाला एक चार्ट, तख्ता मतलब चार्ट, वहाँ भिंतीवर लावला है, वहाँ पर वॉल पे लगाया हुआ है। तो जो भी कैट पेशेंट है उस पेशेंट के पास में उस कैट का हेल्थ रिलेटेड अप्स एंड डाउन्स वहाँ पे मेंशन है चार्ट में। मी आणि भरत खोलीत पाऊल टाकतो मात्र सारी मांजर चमकतात, तो ये सब तो उसने जब एंटर किया तभी उसने देखा सब अलग अलग मांजर वगैरह कैसी हैं। तो अब वो बता रही है कि कैट्स का क्या रिएक्शन था। मी आणि भरत खोलीत पाऊल टाकतो मात्र, मतलब जैसे ही हमने इमेजिन वो पाँव रखा रूम के अंदर, सारी मांजर चमकतात, सारे कैट्स एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, त्यांच्या डोळ्यात आतुरता काठोकाठ भरली आहे, उनकी आँखों में मानो एक बहुत क्यूरियोसिटी टाइप जो है एकदम भर भर के है। काही मांजर जाळीवर नाक घासू लागतात, कुछ कुछ कैट्स तो मुझे देखकर जाली पे अपने नाक घिसने लग गए जैसे मानो मुझे बुला रहे हैं। काही नखानी जाळ्या खरडवू लागतात, तो कोई अपने नाखूनों से जालियों को मार रहे हैं जैसे बुला रहे हो हमें, मियाऊ मियाऊ मियाऊ, कोवळ्या निबर भरीव किनऱ्या आवाजांचं ना, ये अलग अलग टाइप की आवाज जो हर एक कैट निकालती है। कोवळ्या मतलब बहुत ही यंग कैट मानो ऐसा निकाल रही है, निबर मीन्स रफ आवाज हम बोल सकते हैं, निबर मतलब खरखरित आवाज, रफ आवाज, भरीव भरीव यानी कि आप इसको लाउड बोल सकते हो, और किनऱ्या किनऱ्या मीन्स बारीक श्रिल एकदम बारीक आवाज जो बोलते हैं। तो ये कोवळ्या यंग, निबर मीन्स रफ, भरीव इज लाउड मतलब भरी हुई आवाज एकदम जिसमें दम होता है ऐसा, और किनऱ्या मतलब एकदम बारीक श्रील आवाज। तो ऐसे सब आवाजों से कलकलाहट शुरू हो गई थी, मतलब मानो सब लोग म्याऊ म्याऊ एक साथ में कर रहे थे, अपने अपने दम खम के हिसाब से आवाज निकाल रहे थे। प्रत्येक मांजर आपापल्या परीनं माझं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे। हर एक कैट जो है वहाँ पर अपने अपने तरीके से मुझे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ, है ना, माझा लक्ष्य वेधून घेण्याचा प्रयत्न करते, मतलब कि मेरा ध्यान उनकी तरफ जाए, इस टाइप वो हर एक कोशिश कर रहे थे कैट्स। प्रत्येक जन जणू म्हणत आहे, और हर एक कैट जैसे मानो बोल रही हो, मला इथं फार एकटं वाटतंय, जरा माझ्याकडं या हो, मला कुरवाळा। वो हर एक कैट मानो ये कह रही हो कि मुझे यहाँ बहुत अकेलापन लग रहा है, मेरे पास आओ और मुझे प्यार करो, कुरवाळा मतलब मुझे प्यार करो। मी जाळीच्या छिद्रांतून बोट घालून कुणाचं डोकं खाजवते, कुणाचा गळा खाजवते, तर कुणाचे कान कुरवाळते, मतलब वो जो जाली के जो छिद्र है, होल्स है जो जाली में सामने, तो उसमें से अपने बोट, बोट मतलब फिंगर्स, ऐसा जो अपने हाथ जितना जा सकता है उतना डाल के अंदर, किसी कैट का मैंने डोको खाजवते मतलब सर पे ऐसे खुजाया, किसी का गला खुजाया, तो किसी के कानों पे प्यार किया, घुमाया, हाथ घुमाया, मांजर खुश होता, ऐसे हाथ घुमाने से वो सारे कैट्स एकदम खुश हो रहे थे, पोटातून गुर्र गुर्र आवाज काढून समाधानाची पावती देतात, और वो कैट हैप्पी होने के बाद में एज इफ दे आर सेटिस्फाइड, तो इस तरह का एक आवाज पेट से निकालते थे, गुर्र गुर्र आवाज एक उनका पेट से निकलता था। आता माझं लक्ष एका गोष्टीकडे जातं, अब मेरा ध्यान और एक अलग बात की तरफ गया। प्रत्येक मांजराच्या कप्प्यामध्ये त्यांचं नाव लिहिलेलं आहे। हर एक जो खन है, जो केज बनाया हुआ है वहां पर, हर एक कैट का नाम लिखा हुआ है।
जैक जाधव, बकुल गोखले, सेमी डिकुन्हा, रोमेल टिप्पणिस, अरे कैट्स के नाम, वो भी सरनेम के साथ में, जाधव, गोखले, डिकुन्हा, टिप्पणिस। माझ्या ध्यानात येतं ही आहेत मांजराच्या मांजरांना दिलेल्या त्यांची मालकांची आडनावं। मतलब ये जो कैट्स है ये सब बीमार कैट्स है ना, इसीलिए हॉस्पिटल में है। तो ये जो भी इनके मालिक है, इन मालिक ने इनको इनका सरनेम दिया है, अपना सरनेम भी इन कैट्स को दिया है नाम रखकर। सो एक बहुत ही अमेजिंग थिंग ये हमें पता चली है यहाँ पे। त्या जाधव, गोखले, टिप्पणीस इत्यादि मंडळीच्या डोळ्यांनी निरोप घेऊन मी बाहेर पडते। तो ये जितने भी जो कैट्स थे यहाँ पे, जाधव, गोखले, टिप्पणीस इत्यादि मंडळीच्या, मंडळीच्या मतलब जे सारे ग्रुप ऑफ कैट्स जो थे वहां पे, सबको आंखों में मंडळीच्या डोळ्यांनी निरोप घेऊन, मतलब सबको आंखों में देखकर उनको बाय करके मैं बाहर निकली। मला निरोप देताना पुन्हा एकदा म्याऊचा गजर होतो, और मुझे जैसे मानो बाय करने के लिए वापस से एक बार सभी कैट्स म्याव म्याव करने लग गए अपने अपने आवाज में। भेटीला आलेला माणूस परत जायला निघाला म्हणजे इस्पितळच्या पेशंटच्या चेहऱ्यावर जी खिन्नता दिसते तीच या मांजराच्या चेहऱ्यावर मला दिसली। अभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं जब किसी पेशेंट्स को देखने के लिए, मिलने के लिए, तो वो खुश होते हैं हमें देखकर कि हाँ हमें कोई मिलने आया है। लेकिन जब हम उन्हें बाय कहकर जाने वाले रहते हैं तभी वो थोड़े से उदास हो जाते हैं कि चलो अभी हम वापस अकेले हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो जितनी भी मांजर थी, कैट्स थी, उनके चेहरों पर भी मुझे उसी तरह की उदासी दिखी कि कोई मिलने आया तो खुश हो गए और जब कोई जाने लगा तो वो वापस उदास हो गए। घरी लाड करून घ्यायची सवय झालेल्या या मांजरांना इथं विलक्षण एकटं एकटं वाटत असलं पाहिजे। तो मतलब यहाँ पे जो घर में उनको इतना प्यार मिलता होगा तो यहाँ पर हॉस्पिटल में एकदम अकेलापन इनको लग रहा है, तो इसीलिए उनको एकदम विलक्षण अलग ही लग रहा है, अजीब लग रहा है, एकट अकेलापन लगता होगा यहाँ पे, इसीलिए वो सब ऐसे दुखी हो रहे हैं। या मांजरांना औषध पाणी माणसांसारखं करतात का रे, मी भरतला विचारलं। तो मैंने भरत को पूछा कि इन कैट्स को भी हम इंसानों के जैसे ही दवाई पानी वगैरह देते हैं क्या एज अ पेशंट? तर असं म्हणून भरत सांगतो, तो क्या, मतलब कहते हैं ना और नहीं तो क्या, बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल पेशेंट्स को मेडिसिन्स देते हैं वैसे इन कैट्स को भी देते हैं। त्यांचं खाणं पिणं पथ्याचं असतं, और उनका खाना पीना भी स्पेसिफिक डाइट ना, खाणं पिणं यानी जो भी डाइट है पथ्याचं असतं, डाइट वाला रहता है उनका, मतलब उनके लिए फिक्स डाइट रहता है कि किसको क्या देना है किस बीमारी के हिसाब से। एकदम भरतला काहीतरी आठवतो, और फिर पता नहीं एकदम से भरत को क्या याद आता है, तो मला म्हणतो, बाई शेजारी कुत्र्याचा विभाग आहे तिथे जाऊया का जरा? तो बोलता है कि बाजू में ना डॉग्स का वॉर्ड है तो वहां पर हम चले क्या जरा? आम्ही शेजारच्या विभागात गेलो जातो, तो फिर हम जो है शेजारच्या विभागात जातो, मतलब जो बाजू का वॉर्ड है वो डॉग्स का वॉर्ड है, वहां हम गए। बघते तर खरच एक भली दांडगी अतिशय देखणी कुत्री तिथ निजलेली दिसली। तो वहां जाते ही एंटर करते ही हमें क्या दिखा? एक भली दांडगी, भली मतलब बिग बड़कट, दांडगी मतलब माइटी पावरफुल, अच्छी खासी हट्टी कट्टी हम बोल सकते हैं। अतिशय देखणी कुतरी, देखणी मतलब बहुत ही सुंदर, भले हट्टी कट्टी है लेकिन बहुत ही सुंदर डॉग जो है वहां पर तिथ निजलेली दिसली। निजलेली मीन्स सोई हुई, निज मीन्स सोना, निजने। जवळच एका टोपलीत तिची बरीच पिल्ल आहे, और उसी डॉग के पास में एक बहुत सारे एक पिल्ले बैठे हैं एक बास्केट में। हाँ, टोपलीत, टोपलीत मतलब एक टोकरी टाइप, बास्केट टाइप, टोकरी नॉट बास्केट बोल सकते हैं, टोकरी। वहाँ पर उसकी बहुत सारी पिल्ल यानी बच्चे वहाँ पर बैठे थे। अजून डोळे ही न उघडलेल्या त्या पिल्लांच्या अंगावरून मी हलकेच बोट फिरवते। अब ये जो थे अभी तक पिल्ले जो थे उन्होंने अभी तक आंखें भी नहीं खोली होगी, तो उन पिल्लों के हाथ ऊपर से मैंने अपना हल्का सा अपना हाथ, बोट मीन्स फिंगर्स, अपना हाथ ऐसा घुमाया। त्यांची आई तपकिरी रंगाची आहे, तपकिरी मीन्स रेडिश कलर, पण पिल्ल पांढरी, लेकिन उनके जो पिल्ल थे किटन्स जो थे वो पांढरी सफेद रंग के थे, व्हाइट। काही ठिपक्या ठिपक्यांची आहेत, और कुछ जो पिल्ले थी वो एकदम डॉटेड थी, स्पॉटेड थी, मतलब डॉट डॉट थे उनके ऊपर। सावरीच्या कापसाचे जणू मऊ मऊ गोळेच, तो ये जो पिल्ल थी ना, किटन्स थी, वो कैसी लग रही थी उसको, किसके साथ कंपेयर किया उसने, जैसे मानो एक टाइप का जो
प्लांट होता है कॉटन प्लांट का जो बड़ होता है ना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, सावरी, सावरी इज अ टाइप ऑफ प्लांट जो कॉटन प्लांट हम बोल सकते हैं। तो बिल्कुल उस प्लांट के जो कॉटन बड्स होते हैं मऊ मऊ एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट गोले बिल्कुल वैसे लग रहे थे वो पिल्ले हाथ लगाने पर, इतने छोटे छोटे से नाजुक नाजुक। इवले कान इवलिया शेप्टिया, नाउ इवले मीन्स स्मॉल टाइनी, छोटे छोटे कान, छोटे छोटे टेल्स, लाल सर ओली नाक, रेड होए हुए उनके बहते हुए नाक, ओली नाक, ओली मीन्स वॉटरिंग नोज, आणि पोटांतून येणारा कुई कुई आवाज और उनके पेट से निकलने वाला कुई कुई नॉइज। कितीतरी वेळ मी त्यांच्याकडे बघतच राहिले। छोटे छोटे पिल्लों को देखकर बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं वो पिल्ल, बहुत मजा आता है। तो वो बोलती है शांता शेलके कि मैं कितनी देर तक तो इन पिल्लों को वहां देखती रही, उनके ऊपर से हाथ घुमाती रही। तिथून पुढे गेल्यावर कुत्र्यांचा आणखी एक विभाग लागला और वहां से जब हम आगे गए तो एक और वॉर्ड था वहां पर डॉग्स का। इथं तरह तरह ची कुत्री आहेत, तरह तरह ची अलग अलग टाइप के डॉग्स है वहां पे। लठ्ठ आणि रोड, लठ्ठ मतलब मोटे मोटे और रोड यानी पतले पतले, जाड़े और पतले, फैट एंड थिन, लठ्ठ आणि रोड ये ऑपोजिट्स हैं। चिड़की आणि शांत, चिड़की मतलब एंग्री बोल सकते हैं और शांत यानी एकदम कामली, काम बैठे हुए ऐसे। साखळीला सारखे हिसके देऊन काही सुटू बघण्याचा प्रयत्न करणारी, साखळीला सारखे हिसके देऊन मतलब चेन से बंधे हुए थे सारे डॉग्स, तो चेन्स को खींच रहे थे, छूटने की कोशिश कर रहे थे चेन से, मानो काही सुटू बघण्याचा प्रयत्न करणारी, जैसे मानो हम छूट जाए चेन से, इस तरीके से वो कोशिश कर रहे थे, प्रयत्न कोशिश कर रहे थे। तर काही स्वस्थ बसून राहिलेले, तो कुछ तो खाली एकदम शांत स्वभाव से बैठे थे। एका कुत्र्याच्या कानामागे मोठे गळू झाले आहे, तो मतलब एक डॉग के कान के पीछे तो एक बहुत बड़ा बॉइल, गळू मतलब एक बॉइल, फोड़ा हम बोल सकते हैं, वो हुआ था। एकाचा मोडलेला पाय प्लास्टर मध्ये घालून ठेवला आहे, एक का पाँव फ्रैक्चर हो गया था तो उसको प्लास्टर में डाला हुआ था पाँव। एक कुत्रा चिड़ून माझ्या अंगावर झेप घेऊ बघतो, एक डॉग तो मानो जैसे बहुत चिड़ गया हो और ऐसे मुझ पर हमला करना चाहता हो, मेरे ऊपर छलांग मारने की कोशिश कर रहा था। मी दचकून मागं सरकते, तो जब वो ऐसे छलांग मारने की कोशिश कर रहा था तो मैं डर के थोड़ा सा पीछे हो गई। भरत त्याच्यावर खेकसतो, तो जब वो ऐसे मुझ पर छलांग मारने की कोशिश कर रहा था तो भरत जो है उसके ऊपर चिड़ गया, गुस्सा किया उसने, थोड़ा सा जोर से बोला, झेन्या चुप, असं नाही करायचं, आपल्या पाहुण्या आहेत त्या, चुप। तो वो बोलता है झेन्या, मतलब उस डॉग का नाम झेन्या होगा, कि चुप बैठ, ऐसा नहीं करने का, ये अपने गेस्ट है, चुप, एकदम चुप हो जा। झेन्या जनू समझ लिया सारखा चुप बसतो, और झेन्या जैसे मानो उसको सब समझ में आ गया और वो चुप बैठ गया। दूसरा एक कुत्रा सारखा झेप घेऊ लागतो, फिर झेन्या से हम आगे गए वहां से तो दूसरा भी एक कुत्ता था, वो भी कंटिन्यूस जैसे मानो एक छलांग लगाने की कोशिश कर रहा हो, पण तो अंगावर तुटून पडण्यासाठी नव्हे, लेकिन वो मुझ पर गिरने के लिए नहीं, तो पुढेच दोन्ही पंजे जुळवून मला नमस्कार करतो। वो आगे क्यों बढ़ रहा था, ताकि वो अपने दोनों हाथों को, दोनों पंजों को जोड़कर मुझे नमस्कार करने की कोशिश कर रहा हो। झेन्या रागिट, तरहा एकदम सालस, है ना, झेन्या तो गुस्से में था और ये गुस्से वाला था, रागिट दिख रहा था ना, छलांग लगा रहा था, और ये एकदम शांत जैसे मानो एकदम डिसेंट, सालस मीन्स वेरी डिसेंट। भरत मला म्हणतो आल्या गेल्या सर्व लोकांना तो असा नमस्कार करतो बाई। तो भरत मुझे कहता है कि ये जो डॉग है वो आने जाने वाले सभी लोगों को इसी तरीके से नमस्कार करता है। मी भरतला विचारते इथे आणखी कोणते प्राणी येतात रे, तो मैं भरत को मैंने पूछा कि यहाँ और कौन से जानवर आते हैं। पुष्कळ येतात बाई, तो भरत कहता है बहुत सारे आते हैं, पुष्कळ, पुष्कळ मीन्स मेनी, बहुत आते हैं बाई। भरत सांगू लागतो और फिर वो कहने लगता है शेळ्या, शेळ्या येतात, मेंढ्या ससे येतात, माकडं येतात। शेळ्या मीन्स वी नो दॅट शेळ्या इज अ शी गोट, मेंढ्या इज शीप, जो वूल देती है ना वो शीप, मेंढ्या, ससे इज रैबिट एंड माकड़ मीन्स मंकीज, ये सब एनिमल्स यहाँ पे आते हैं। आम्ही बोलतो आहेत एवढ्या माझ्या पायाजवळून एक मांजरी चाललेली दिसते, तो जब वो लोग दोनों बातें कर रहे थे इस बारे में, तो उतने में एक उसके पाय के पास से एक मांजरी, छोटी सी कैट, वहां से एक कैट वहां से चलती हुई दिखती है। भरत मला म्हणतो हात लावा बाई तिला, तो भरत मुझे कहता है कि बाई आप उसे हाथ लगाओ।
मी तिच्या पाठीवर हात ठेवते, मांजरीचं सर्वांग शहारतं, मग ती सावरते। तो मैं जब उसके पीठ पर हाथ लगाती हूँ तो पूरे बॉडी में उस कैट के मानो जैसे कांटे हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, सारे बाल उसके खड़े हो गए। लेकिन फिर बाद में वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, माझ्या जवळ येते और फिर बाद में मेरे पास आती है। मी तिला थोपाटते, थोपाटते मतलब पैट करना, उसके पीठ पे ऐसे थपथपाना थोड़ा सा। तशी ती प्रेमाना गुर्र गुर्र करू लागते, और जैसे ही मैं प्यार से उसके पीठ पे पैट करती हूँ वैसे ही वो एकदम प्यार से गुर्र गुर्र करने लगती है। मी भरतला विचारते, ही अशी दचकली कशी रे? तो मैं भरत को पूछती हूँ कि ये एकदम से ऐसा दचक क्यों गई, मतलब एकदम रोंगटे क्यों खड़े हो गए इसके। भरत सांगतो, जन्मापासून आंधळी आहे ती। तो भरत कहता है कि वो पैदाइशी अंधी है, जन्मापासून जब से पैदा हुई है तब से वो अंधी है। तुमचा अनोळखी हात म्हणून घाबरली, और आपके हाथ का स्पर्श उसको पता नहीं था, वो अननोन था उसके लिए, इसीलिए वो डर गई। इथच जन्म लेलं हे पोरं, यहीं पे जन्मी थी ये बच्ची, जन्मापासून ठार आंधळ, जन्म से ही एकदम एकदम ब्लाइंड। डोळे बघला बघाल तर अगदी लख आहेत, और अगर आप उसकी आंखें देखोगे तो कैसे एकदम ब्राइट शाइन कर रही है, पण दिसत मात्र नाही हं, लेकिन दिखाई उसे कुछ नहीं देता है। आम्ही हे पिल्लू पाळलं, इस पिल्ले को हमने ही पाला है, आता मोठी मांजरी झाली आहे, और अब ये बड़ी कैट हो गई है। इथं ती सगळ्यांना ओळखते, यहाँ पर तो वह सभी को पहचानती है। विश्वासानं वावरते, और एकदम विश्वास से यहाँ वहाँ घूमती है, रोम करती है। आम्ही तिला बाहेर सोडत नाही, और हम उसे बाहर जल्दी से छोड़ते नहीं है। तिथं बिचारीचा कुठं निभाव लागेल, वहाँ कौन ये कैसे सर्वाइव कर पाएगी बाहर अगर हमने इसे छोड़ दिया तो। हे सारा पाहून मैं बाहेर आले, एक वेगळंच जग पाहिलं असं वाटलं। तो ये सब कुछ मतलब कैट का डिपार्टमेंट, डॉग्स का डिपार्टमेंट देखकर मैं बाहर आई, और ऐसे लगा जैसे मैं किसी अलग ही दुनिया में चली गई थी। का कुणास ठाऊक, ऐसा क्यों मुझे फील हुआ पता नहीं। आज शिरताना जे वाक्य वाचलं होतं ते पुनः पुनः डोळ्यात येत होतं। तो जब मैंने अंदर जाने के टाइम पे, ऑफिस में अंदर जाने के टाइम पे जो लाइन मैंने रीड किया था, वही लाइन वापस वापस मेरे आंखों के सामने आ रही थी। और वो क्या लाइन्स थी, आम्हाला तुमची गरज आहे, तुम्हाला आम्ही हवे आहत का, मतलब वही वी नीड यू, डू यू नीड अस, ये लाइन वापस वापस उस शांता शेळके की आंखों के सामने आ रही थी। तो ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यू विल डेफिनेटली लाइक माय चैनल। प्लीज डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सून विल मीट, टिल देन स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।